हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। मैंने भी काला फिल्म देख ली है और आपको इतना ही कहूँगा कि बहुत बढ़िया फिल्म है। और ये ब्रीफ रिव्यू में मैं इतना ही कहूँगा कि रजनीकांत और नाना पाटेकर का जो फेस ऑफ है वो एक नंबर फेस ऑफ है। और यानी कि जो टक्कर होती है कमाल की होती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा कमाल का है, सेकेंड हाफ भी अच्छा है, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी कमियाँ आपको लगेगी। आई थिंक जो एंडिंग है वो बहुत अलग लगेगी आपको, लेकिन मेरे हिसाब से उनका बेस्ट एंडिंग है। और नाना पाटेकर का जो अंत करते हैं वो आई थिंक पब्लिक के बीच में आके छोड़ देते, पीछे उधर ही ख़त्म हो जाती है, तो वो एक बहुत अच्छा यूनिक पॉइंट है मुझे लगता है। और मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता दूँ। अंजलि पाटिल जो मराठी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हुमा कुरैशी ने अच्छा काम किया है। और आई थिंक जैसे यहाँ पर पंकज त्रिपाठी है, उनको थोड़ा सा आई थिंक वेस्ट किया गया, उनको और स्क्रीन स्पेस दे तो अच्छा रहता। ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बढ़िया है। फर्स्ट हाफ अगर देखा जाए तो म्यूजिक वाइज स्टोरी वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, सेकेंड हाफ में जो ट्रेजेडी है बहुत ज़्यादा लगेगी। और ओवरऑल मुझे बढ़िया लगी ये फिल्म। फर्स्ट हाफ को मैंने आई थिंक 4 स्टार दिए थे और इसको भी मैं 4 स्टार ही दूंगा आई थिंक सेकेंड हाफ को भी। और फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, तो मुझे आई थिंक दोनों ही बराबर के लगे। मैं कुछ कम ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और नाना पाटेकर मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म आप लोग ज़रूर देखिए। और रजनीकांत की भी आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ऐसे काफ़ी वक्त के बाद आया है, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है, नो डाउट। और पब्लिक इस फिल्म को पसंद करने वाली है। और म्यूज़िक, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त है, कमाल का है। और लोग, मैं खुद इसे तमिल नहीं जानता, लेकिन मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छा लगा और काफ़ी कुछ समझ में आया। तो मे भी पता नहीं मैं रिव्यू सही हो या ना हो, लेकिन हाँ मुझे लगता है 4 स्टार फिल्म डिजर्व करती है। चलिए फिलहाल कितना ही,